Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you student? Hope you are fine. Chapter 5 discuss कर रहे थे हम material. What are material? क्या होते हैं material? किसे कहते हैं material? हमने देखा everything around us is material. हमारे इर्द-गिर्द जितनी भी चीजें मौजूद हैं, वो सब क्या कहलाती हैं material. हमने देखा था कि हमारे जितनी भी चीजें हम बनाते हैं अपनी जरूरत के लिए, उनको बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है material की. तो material क्या है आपके पास? Material is a substance used for making object. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल. अब हमने देखा हमें अपने एक बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं, उन सबको हम क्या कह रहे हैं? मटेरियल कह रहे हैं. तो सारे मटेरियल एक जैसे तो नहीं होते. मटेरियल एक दूसरे से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. और डिफरेंट क्यों होते हैं मटेरियल एक दूसरे से? अकॉर्डिंग टू देयर नेचर. उनकी नेचर डिफरेंट होती है जिसकी वजह से मटेरियल जो है वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम वन अनदर. और क्यों है? अकॉर्डिंग टू देयर नेचर. अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास मटेरियल्स के अंदर जो है नेचर वाइज क्या डिफरेंस होता है. तो नंबर वन देखते हैं हम, आपके पास फर्स्ट मटेरियल उसकी क्या नेचर है. फर्स्ट हम जो नेचर देख रहे हैं मटेरियल की वो क्या है? मटेरियल्स क्या होते हैं आपके पास? सॉफ्ट होते हैं. सॉफ्ट का मतलब क्या होते हैं? नरम होते हैं. जैसे कि आपने देखा कॉटन होता है हमारे पास, क्या होता है? सॉफ्ट होता है. कॉटन से जो चीज़ें बनती हैं वो भी क्या होती हैं? सॉफ्ट. वुलन जो है, वुलन क्लॉथ्स वगैरह या वुलन ये सब भी क्या होते हैं? सॉफ्ट. सिल्क और सिल्क से बनी हुई क्लॉथ्स ये सब क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. देखिए ये कॉटन, कॉटन कैसा है? सॉफ्ट है ना, नरम है. ठीक, इसी तरह से आपके पास ये देखें, ये भी आपको सॉफ्ट नज़र आ रहा है. ये देखें ये रिबन जो है ये सिल्क की बनी हुई है, ये भी क्या है? सॉफ्ट है. तो इससे बनी सिल्क और की जितनी भी चीज़ें सिल्क से बनी हुई होती हैं या कॉटन से या वुलन से, ये सब क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. सेकंड नेचर क्या है मटेरियल की? मटेरियल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं. हार्ड मतलब सख्त होते हैं. तो कौन कौन से मटेरियल हैं जो हार्ड होते हैं? मेटल की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? हार्ड. इसी तरह वुड जो है उससे भी बनी हुई जितनी चीज़ें हैं वो भी क्या है? हार्ड होती हैं. जैसे ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको हैमर. हैमर में जो है आपका ये जो पार्ट है ये क्या है? मेटल का बना हुआ है. ये क्या है? हार्ड है. ये भी क्या है? मेटल का बना हुआ है, ये भी हार्ड है. तो जितनी भी चीज़ें मेटल की होती हैं ये क्या होती हैं? हार्ड. ये वुड है, ये भी क्या है आपके पास? हार्ड. टेबल है, चेयर है, आपके फर्नीचर हैं, ये सब क्या होते हैं? वुड के होते हैं. ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं. ठीक है, इसी तरह ये आपको ये स्टोन नज़र आ रहा है, ये भी क्या है? हार्ड है बहुत ज़्यादा. ठीक, तो ये सब क्या है मटेरियल, इनकी नेचर क्या है? हार्ड है. इसी तरह से थर्ड देख रहे हैं हम. थर्ड जो है वो मटेरियल की नेचर क्या होती है? कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिन्हें हम इजीली क्या कर सकते हैं? बैंड कर सकते हैं. बैंड का मतलब है क्या? मोड़ सकते हैं. जैसे रबर होती है, रबर को आप इजीली बैंड कर सकते हैं, रबर बैंड को. इसी तरह से ये वायर नज़र आ रहा है आपको, वायर को भी हम इजीली क्या कर सकते हैं? बैंड कर सकते हैं. ठीक है, ये वायर है इसे बैंड कर सकते हैं, इसीलिए बैंड करके इसको हमने किस में लगाया हुआ है? आयरन नेल्स में लगाया हुआ है. ठीक है, ये देखें ये भी क्या है, इसको भी ईजिली क्या कर सकते हैं? ये पाइप को भी ईजिली बैंड कर सकते हैं हम. तो थर्ड जो है वो नेचर क्या हो गई कि हम कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बैंड हो सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बैंड नहीं हो सकते. ठीक, अब जैसे ये मैं वुड है, क्या मैं इसको बैंड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती. इसी तरह से ये मेटल है, इसको बैंड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती. ठीक है, नेक्स्ट नेचर देखते हैं हम. मटेरियल्स जो है उनकी नेचर क्या होती है? कुछ मटेरियल जो है उनकी सरफेस क्या होती है? रफ होती है. ठीक है, रफ कहते हैं खुरदरी सरफेस को, टूटी फूटी हो, खुरदरी सी हो, उसे हम क्या कहते हैं? रफ. तो इसमें हमारे पास रफ सरफेस में स्टोन भी हो सकता है, कोई पत्थर ऐसा हो जो क्या हो आपके पास की सरफेस जो है वो रफ हो. रोब है, देखें ये देखें इसकी भी सरफेस क्या है? रफ है, खुरदरी सी ये नज़र आ रहा है. इसकी भी स्कॉच ब्राइट, इसकी भी सरफेस क्या है आपके पास? रफ है. ठीक है, और कुछ हमारे पास सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है? स्मूथ, यानी उनकी सरफेस क्या है? स्मूथ होती है, हमवार होती है, प्लेन होती है. ठीक है, अब इसमें एग्जांपल जैसे मार्बल, मार्बल आपके घरों में मार्बल्स होते हैं. ये देखें ये स्टोन है, ये मार्बल का है, कितनी स्मूथ सरफेस है, चिकनी प्लेन सरफेस है. ठीक है, इसी तरह से ग्लास, ये देखें ग्लास, इसकी भी प्लेन सरफेस है. या एप्पल है, इसकी भी सरफेस क्या है? बिल्कुल प्लेन है. ठीक है, इसी तरह से मिरर वगैरह होती हैं, उनकी भी सरफेस क्या होती है? बिल्कुल प्लेन होती है, स्मूथ होती है. ठीक है, तो ये है हमारा क्या? नेचर ऑफ मटेरियल. कि हमने कहा कि मटेरियल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और वो क्यों डिफरेंट होते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर नेचर. हमने सारी नेचर देख ली.
अब हम बुक में देख लेते हैं कि हमारा बुक में जो है ये टॉपिक नेचर ऑफ मटेरियल कहाँ है। पेज नंबर है 71। नेचर ऑफ मटेरियल, सम मटेरियल आर हार्ड अदर आर सॉफ्ट। कुछ मटेरियल क्या होते हैं, हार्ड, कुछ सॉफ्ट हैं, अभी देख लिया। सिमिलरली सम मटेरियल बैंड ईजिली बट अदर कैन नॉट। ठीक, कुछ बैंड ईजिली होते हैं और कुछ बहुत से उनको हम नहीं कर सकते बैंड। सम मटेरियल आर स्मूथ, कुछ स्मूथ हैं बट अदर आर रफ, कुछ क्या हैं, रफ। सो मटेरियल आर डिफरेंट फ्रॉम वन एन अदर अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। नेचर की वजह से, नेचर की बाइस हमने कहा मटेरियल एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट। ये नज़र आ रहे हैं आपको डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल, ये सॉफ्ट है, ये रफ सरफेस आ गई आपके पास, ये बैंड हो गया हुआ नज़र आ रहा है, ये क्या है, हार्ड है। ठीक है, तो ज़रा इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज जो है वो पेज नंबर 75 पे है, ये सॉल्व करनी है आपको। एक्स डेट डाल लीजिएगा सबसे पहले। नंबर वन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड। वर्ड्स दिए हुए हैं दो, इसमें से जो सूटेबल वर्ड है उसको फिल करना है आपको ब्लैंक्स में। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ डैश। क्या है, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो किससे बनी हुई हैं, मटेरियल या नॉन मटेरियल, तो क्या आएगा, मटेरियल। नंबर टू, वुल लेदर एंड सिल्क कम फ्रॉम डैश। अभी हमने पढ़ा था सोर्सेज जब हमने डिस्कस किए थे कि कुछ मटेरियल जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से, कुछ प्लांट से और कुछ अर्थ से। तो इसमें से ये तीनों मटेरियल, वुल, लेदर और सिल्क, कहाँ से आता है, प्लांट से या एनिमल से, तो क्या आएगा, एनिमल। नंबर थर्ड, वुड कॉटन एंड रबर कम फ्रॉम। ये तीनों कहाँ से मिलती हैं, वुड कॉटन और रबर, कहाँ से, एनिमल से या प्लांट से, तो क्या आएगा, प्लांट्स। नंबर फोर, पेपर ग्लास प्लास्टिक एंड स्टील आर कॉल्ड डैश मटेरियल। हमने क्या देखा था, काइंड्स ऑफ मटेरियल देखे थे, टू काइंड्स हैं मटेरियल के, या नेचुरल हैं या आर्टिफिशियल हैं। नेचुरल जो कुदरती तौर पे हैं, आर्टिफिशियल जो मैन मेड हैं, जो हम बनाते हैं। तो उसमें से पेपर ग्लास प्लास्टिक और स्टील कौन से मटेरियल हैं, नेचुरल या आर्टिफिशियल, जी आर्टिफिशियल। नंबर फिफ्थ, मटेरियल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर डैश। मटेरियल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, किस बेस पे डिफरेंट होते हैं, अभी बताया क्या, अभी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो क्या है, क्या था कि नेचर की वजह से मटेरियल एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट। तो क्या आएगी ब्लैंक्स में, क्या आएगा, नेचर। नंबर सिक्स क्या है, द मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एनिमल और अर्थ आर कॉल्ड डैश मटेरियल। वो मटेरियल जो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से, एनिमल से और अर्थ से, उन्हें क्या कहते हैं हम, आर्टिफिशियल या नेचुरल मटेरियल, तो क्या आएगा, नेचुरल मटेरियल। नंबर सेवन, आ डैश इज़ अ सब्सटेंस यूज फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम कौन से सब्सटेंस यूज़ करते हैं, मटेरियल या मैटर, तो क्या है, मटेरियल। ठीक है, ये सब कुछ पढ़ लिया था हमने, इसलिए मैंने ये ब्लैंक्स करवा दी। नेक्स्ट हम देखते हैं मैच द कॉलम। कॉलम ए में जो आपके पास वर्ड्स मौजूद हैं उनको कॉलम बी से मैच करना है। जैसे कि नंबर वन में, कॉलम ए में क्या है, प्लास्टिक, बताएं प्लास्टिक ग्राउंड से मिलती है हमें, एनिमल से या मैन मेड है, तो क्या है, प्लास्टिक, मैन मेड। तो प्लास्टिक को किससे मैच करेंगे हम, मैन मेड से। ठीक है, मैन मेड मटेरियल है तो प्लास्टिक क्या हो गया, मैन मेड। नेक्स्ट क्या है, गोल्ड। अब गोल्ड क्या है आपके पास, गोल्ड जो है वो हमें ग्राउंड से मिलता है, एनिमल से आता है, मैन मेड है, प्लांट्स है या नेचुरल है। ठीक है, तो गोल्ड ग्राउंड से भी मिलता है, ज़मीन से भी मिलता है और गोल्ड नेचुरल भी है। अब आप जिससे चाहे मैच कर लें, आपकी मर्जी है, तो मैं गोल्ड को नेचुरल से कर रही हूँ। गोल्ड क्या है, नेचुरल। रबर ग्राउंड से मिलता है हमें, एनिमल से, मैन मेड है या प्लांट है, तो कहाँ से आता है रबर, रबर प्लांट से देखा था हमने, तो रबर क्या है आपके पास, कहाँ से आ रहा है, किससे मैच करेंगे रबर को, प्लांट से। वुल इसको किससे मैच करेंगे, ग्राउंड या एनिमल, तो किससे करेंगे, एनिमल से। ठीक है, एनिमल से आता है ये। नेक्स्ट है आपके पास कोल। कोल कोयला, कोयला कहाँ से मिलता है हमें, वही बात आ गई कोल और गोल्ड के लिए। कोल जो है वो ग्राउंड से मिलता है और जो चीज़ हमें ग्राउंड से मिलती है वो नेचुरल भी होती है, तो दोनों आ सकते हैं। तो एक को मैंने किससे मैच कर दिया, नेचुरल से, और एक को मैं किससे मैच कर रही हूँ, ग्राउंड से। ठीक है, हो गया। आप गोल्ड को किससे, ग्राउंड से भी कर सकते हैं, इसी तरह कोल को नेचुरल से भी कर सकते हैं, दोनों राइट ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, चलिए जी अब होमवर्क नोट कर लेते हैं। होमवर्क क्या है आपके पास, डू एक्टिविटी नंबर टू पेज नंबर 72। अभी मैंने बताई थी ना एक्टिविटी नंबर टू करेंगे आप होमवर्क में, तो वो एक्टिविटी नंबर टू पेज नंबर 72 पे है, ये आपको करनी है।
और लर्न करना है एक्टिविटी नंबर वन। एक्टिविटी नंबर वन जो आपने प्रीवियस जो अपनी क्लास में की वो उसको याद करेंगे। चैप्टर कौन सा है हमारा? फाइव, जो भी हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। आ जाइए एक्टिविटी नंबर टू में, आपको एक्सप्लेन कर दूँ क्या करना है। एक्टिविटी नंबर टू पेज नंबर 72, क्या करना है? राइट वन कैरेक्टरिस्टिक अबाउट द नेचर ऑफ फॉलोइंग थिंग्स बाय पुटिंग द लेटर। एक कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। ये जो आपके पास क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक जो है बतानी है, और वो किस किस हिसाब से है? इनकी नेचर के हिसाब से, ठीक है। अब वो नेचर अभी हमने देखा था, या वो हार्ड होंगी या वो आपके पास क्या होंगी, सॉफ्ट होंगी। तो यहाँ जो लिखा हुआ है वही वाली नेचर आपको लिखनी है। हार्ड हैं तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? एच, कैपिटल एच। अगर वो सॉफ्ट हैं तो क्या लिखेंगे आप? कैपिटल एस। अगर रफ हैं तो क्या लिखेंगे? कैपिटल आर। सिर्फ ये तीन ही जो है वो आपके पास नेचर लिखी हुई है यहाँ पे। इन्हीं तीनों नेचर को आपको इन मटेरियल्स के साथ जो है वो उनको लिखना है। जैसे ये पहला मटेरियल जो नज़र आ रहा है आपको, इसकी सरफेस या इसकी नेचर क्या है, कैसी है ये, क्या आएगा? रफ है ना ये, तो यहाँ क्या लिखेंगे? आर, ठीक है। इसी तरह से ये क्या है, क्या है? चेयर। चेयर किसकी बनी हुई होती है? वुड की। और हमने देखा जितनी भी वुड या मेटल्स हैं ये सब क्या होती हैं? हार्ड होती हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? कैपिटल एच, ठीक। ये स्टोन है आपके पास, ठीक है। स्टोन भी क्या है आपके पास? हार्ड होता है। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे आप? एच, ठीक है। इसके बाद सब कर लेंगे, ठीक। इसकी सर्वे ये बताएंगे कैसा है, क्या है, चेक है ये, ठीक है। इस तरह से सारे जो हैं ये आपको क्या करने हैं? होमवर्क में करने हैं। तो इंशाल्लाह कर लेंगे आप लोग। तो ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।